बेहतर है शेर को सिखा दो रमे आहू फ्लाइट्स लाइक अ डियर, ताकि शेर की शेरी का फसाना भूल जाए कि शेर भी कभी कोई चीज होती थी, शेर भी कुछ करता था। सूफिये पश्मीना पोशे हाल मस्त, अजनवाय शोला कव्वाल मस्त, बरनमी साजद बा कुरान महफिलश, कुरान महफिलों से निकालो, कवालियों में मस्त करो, हाल मस्त करो, माल मस्त करो, ताकि हम कभी भी एक सही लोग ना बन सकें। रखो के नाइन टीथ लेकिन खाओ घास, ये है असल में फलसफा। तो ये असल में जब मैंने देखा तो मुझे फील हो गया कि ये अब कोई ना कोई चीज़ इन्होंने करनी है। और अफसोस की बात है कि जितनी मुसलमानों की आर्मी है कोई है ही कुछ नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या होना क्या होनी। और हद तक ये पता होना चाहिए कि बैतुल मक़दस आपका क़िबला है, कुरान में इसका सूरह बनी इसराइल में वाकया है, और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहिमुल्लाह ने कैसे इसको हासिल किया, किसी को इस चीज़ पर कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तारीख भूल गए अपनी, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया जब मुसलमान अपने आप को सरहदों में बांट देगा तो इसकी हर सरहद जो है वो सुकड़ती जाएगी वक़्त के साथ साथ, सुकड़ती जाएगी, आज सुकड़ रही हैं। आज हमारी वो सुप्रीम पावर है आज टेरिटोरियल लाइंस और लाइंस ऑफ डिमार्केशन में बट गई। कलमा नबी का पड़ा, कलमा एक नबी का है लेकिन सारे टेरिटोरियल लाइंस जो है वो मुख्तलिफ हैं, तुम्हारी मेरी, मेरी तुम्हारी, तुम्हारी मेरी, मेरी तुम्हारी। यही सारी जो चीज़ें हैं ईसा इब्ने मरियम जब आएंगे इंशाअल्लाह तो ये सारे मामला सीधे कर देंगे। ये क्या है, बंदर बांट किया हुआ है, इतनी लालच, इतनी कमीनगी अंदर दिलों में, मुसलमान होते हो नबी ने कहा तो एक जसद हो, कहाँ गया वो जसद। इंसान को सोचना चाहिए, आज हम ताकत में तभी हैं अगर हम एक हैं। और यही आज कुफार हमारा फायदा उठाता है क्योंकि उसने देख लिया कि ये बट चुके हैं, इनमें वो सकत नहीं रही, इनके ये खोखले हो चुके अंदर से, दे आर गॉन फॉर गुड, दे हैव नथिंग इनसाइड, नो एंथ्यूजियज्म, नो पोटेंशियल पावर विद इन, उनको पता है इसके आपको ये कुछ नहीं कर सकते।